हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको सिखाने वाला हूं तरबूज काटने का एक अजीब तरीका है, जिससे आप अपने दोस्तों को हैरान कर सकते हो कि ये तरबूज कैसे काटा है। इस तरह से पूरा अलग निकाल सकते हो आप, इस तरह से आप पूरा तरबूज को उनको दिखाकर हैरान कर सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको एक बिग थैंक यू जो आप हमारी वीडियो को रेगुलर देखते हो और इतना प्यार देते हो। तो चलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट गेट इट स्टार्ट। फ्रेंड्स, इस प्रकार के तरबूज काटने के लिए हमें दो सेम साइज के तरबूज की आवश्यकता होगी और एक तरबूज को हमें ठीक बीच सेंटर में से काट देना है और जितना हो सके उतना स्मूथ काटें, जिससे कि देखने में हमारा तरबूज ज़्यादा सुंदर लगे। फिर अपनी फेवरेट मेथड से इसे बीच के तरबूज को हमें अलग कर देना है, बीच वाले पार्ट को अलग कर देना है। आप चाकू की सहायता से भी अलग कर सकते हैं और चम्मच की सहायता से भी इसे अलग कर सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार कर देना और इसे अच्छे से क्लीन कर देना है। इस प्रकार से आप दोनों तरीके से कर सकते हो। इस प्रकार हमें दोनों तरबूज के पार्ट को अच्छे से क्लीन कर देना है। फिर हमें दूसरे वाले तरबूज को बाहर से छीलना है, इसके हमें ग्रीन पार्ट को बिल्कुल हटा देना है। इस प्रकार से हमें इसे छीलना है। धीरे धीरे हमें सिर्फ वो रेड वाला पार्ट रखना है और हमें एक स्क्रब पैड लेना है। स्क्रब पैड से इसे घिसना है। इसके लिए हम एक बार स्क्रब पैड को अच्छे से पानी से धो लेंगे। अच्छे से धोने के बाद स्क्रब पैड को हम लगातार घसेंगे जब तक कि ये रेड पार्ट ना हो जाए, इस प्रकार ना हो जाए। अब हमारा तरबूज तैयार हो गया है। अब हमें इनके दोनों पार्ट्स को इसके अटैच करना है और हमारा तरबूज इस प्रकार बन गया है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपके भी दिमाग में कोई आइडिया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना।